वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जस्ट हम सो सके उठे ही भाई। देखो गाइस आज हम जो करने वाले बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और फिलहाल गाइस आज किस वीडियो के अंदर क्या ही करने वाले हैं आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या ही करने वाले हैं। थंबनेल देख के टेने अभी तो मैं कैमरा शूट कर रहा हूँ, जैसे कि इसका 1080p 4K 60fps और 1080p 60fps वो दोनों में हम वाइट एंगल और मतलब दोनों में व्लॉगिंग करके देखेंगे कि क्या ही डिफरेंट आ रहा है। ऑब्वियसली बात है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आने वाला है। और फिलहाल बाहर चलते इसका पूरा टेस्ट करते कि व्लॉगिंग के लिए भाई बेस्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली बड़े बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं वीडियो बनाने के लिए, बड़े बड़े व्लॉगर जैसे कि मैं। तो गाइस मैंने फुल जूम किया है और अभी जो शूट हो रहा है ना वो 1080p 30fps पे चल रहा है और वहाँ पे देखो क्या ही हो रहा है। भाई देखो गाइस वेरिएबल कर दे। ओके तो गाइस ये है 30fps पे शूट हो रहा है, अभी 1080p 30fps पे शूट हो रहा है और कैसी क्वालिटी आ रही है। अभी स्टार्टिंग किया है मैंने, मतलब कि हाई क्वालिटी भी करेंगे इसकी, 4K भी है और 1080p 60fps भी है, तो वो भी सारी चीज़ें देखनी है। और भाई साहब क्या ही क्वालिटी आ रही है। और इसका माइक है लिटरली मेरे को प्यार हो गया था, अल्टीमेट माइक है इसका, जो कि आप बाहर इतना ज़्यादा भी नॉइस आ रहा है फिर भी वो ज़रा नॉइस नहीं कैप्चर करेगा, कितना सही जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना अच्छे रहे तो बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आ रहा है। कि कैसी क्वालिटी है कमेंट के अंदर जरूर से बताना। अभी स्टार्टिंग किया है और वहाँ पे जूम भी मैं कर सकता हूँ, देखो वहाँ पे देखो क्या ही सारी चीज़ें हो रही थी, देख रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। फिलहाल लोग चलते हैं नीचे, बाइक को निकालते हैं और मज़ा आता है। इसमें देखो अभी मैंने लाइट चालू कर दिया, तो ऐसे लाइट के अंदर भी इतना मतलब एक बल्ब भी हो ना तो इतना ऐसी क्वालिटी देखने को मिलती है। मेरे को भी नहीं पता है किसी क्वालिटी, अभी मैं देखूंगा, पर जैसे भी दिख रही है देखो ऐसा दिखता है। फिलहाल तो चलते हैं उनका मोबाइल देते, अभी मैं आने के बाद इसको स्टार्ट करूँगा क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट। अभी कितने बज रहे, अभी 10:11 हो रही है और चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे टाई चुका हूँ, अभी गाइस मेरे को मस्त लोकेशन देखी है, वहाँ पे देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे टड़ा है ना उसके अंदर भाई साहब एक मस्त बटक है। मैं सोचा कि वहाँ पे जाऊँ और मस्त विरल लूँ, पर रास्ता देखो यहाँ से बोला घटिया सा रोड है, फिर भी मैं जाने की कोशिश करूँगा वहाँ तक। तो चलते हैं फटाफट। अभी जो शूट हो रहा है ना गाइस वो 1080p 60fps पे शूट हो रहा है और भाई साहब अभी आपको क्वालिटी डिफरेंट पता चल गई होंगी क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका होगा। अभी 4K भी है, वो भी आगे जाके देखेंगे। फिलहाल वहाँ पे चलते हैं, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यहाँ से मैं बाइक निकालूंगा और स्कूटी है अपना, तो यहाँ से निकालेंगे फटाफट। तो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे जा तो नहीं सकते, ऑलराइट गाइस तो यहाँ से मैंने निकाल दिया बाइक अपना, अभी चलते हैं भाई आगे। बहुत ही ख़राब रास्ता है, देखो काटे बहुत ही ज़्यादा है, ख़राब रास्ता का ही कोई रास्ता ही नहीं यहाँ पे तो कोई। फिलहाल चलते हैं स्लो भाई। ओ वो वो भाई साहब, तो गाइस इस रास्ते पर आपको पता चलेगा कि आईफोन की स्टेबिलाइजर भी कैसी है। देखो बहुत ही हाथ हिल रहा है मेरा, फिर भी आपको कितना ज़्यादा बढ़िया से दिख रहा है होगा, मेरे को नहीं लगता कि आगे जा पाएंगी। तो भाई चलते हैं, और फिलहाल तो मैं अकेला ही आया हूँ और सुनसान रास्ते में अकेला ही हूँ गाइस। देखो भाई इतना ज़्यादा हमको गाइस स्ट्रगल करना पड़ता है एक वीडियो के लिए, एक वीरोल के लिए, क्योंकि बहुत ही व्यू बहुत ही बढ़िया सा है गाइस। लिटरली वहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बटकें हैं ना, यहाँ से मस्त वीरोल आ सकता है, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। फिलहाल बाइक मैंने पीछे ही खड़ा कर दिया, स्कूटी अपना, पूरा जंगल ही देखो गाइस, कोई नहीं है, सुनसान देख रहे हो, कोई भाई साहब कोई नहीं है। से मैं नज़दीक आ चुका हूँ, पर यहाँ पे जितनी भी थी ना वो सारी बटक उस तरफ चली गई मैं आया तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। जैसे ही मैं आया ना वो समझ गए कि कोई आ रहा है, तो मिस कर गया मैं सारा शॉट। तो देखो गाइस ये सारी बटक है, 3x मैंने जूम किया है गाइस, और देखो गाइस ये सारी बटक। गाइस अभी जो शूट हो रहा है वो फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है और फ्रंट भी भाई बहुत ही बढ़िया सा है, देखो लुक एरिया गाइस क्या ही लग रहा है,
और बहुत ही मेरे को बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया है फ्रंट कैमरा भी, और वाइड एंगल के लिए आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। आगे के कैमरे से कैसे यही फ़ायदा है कि आप अपने आप को देख सकते हो, बेसिकली यही सीन है। और भाई क्या ही क्वालिटी आ रही है धूप में, देखो गाइस मेरी अभी आगे धूप आ रही है तो कैसी क्वालिटी आ रही है, बहुत ही बढ़िया सी वो रखी है। तो गाइस यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट, और यहाँ से जितना मैंने सुधारा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कि मैंने सुधारा कि ऐसा वीडियो आएंगे ऐसे शॉट आएंगे वो नहीं आए। तो अभी चलते हैं उसी लोकेशन पे। गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और अभी जो 4K 60 FPS पे शूट हो रहा है, और कैसी क्वालिटी आई भाई, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी 4K पे शूट हो रहा है। और बाय द वे गाइस यहाँ पे आने के बाद भी मेरे को लोकेशन अच्छी देखने को मिली भी नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छे भाई साहब वीडियो देने वो नहीं मिल रहे मेरे को यार, ऐसी लोकेशन मेरे को मिली नहीं रही कि जहाँ पे मैं अच्छे शॉट ले पाऊँ। तो यहाँ पे आने के बाद भी गाइस ऐसा ही कुछ देखा है मेरे को, और यहाँ पे भी कोई मिल गई यार कुछ भी नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे हूँ खाली, बस कोई नहीं है। तो आगे भी जाने की कोशिश करता हूँ, आगे थोड़ा सा मेरे को अच्छा देखने को मिलता है ना तो वहाँ पे मैं व्यूअर ले लूँगा। और हमारी स्कूटी को देखो, ओ भाई साहब नो बेइज्जती, पहले गई मैं वीडियो बनी वीडियो ऑफ रहा अभी तक तो चालू नहीं हो रही थी, जैसे मैंने वीडियो ऑन किया चालू हो गई। तो ये कमाल होता है वीडियो का। फिलहाल गाइस मैंने अपनी क्वालिटी देखी ना गाइस 4K पे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई क्या ही है आईफोन ने क्या ही निकाला, एक अल्टीमेट कैमरा है गाइस भाई सब में, मतलब मैं सोच रहे हो कि ऐसा कैमरा क्वालिटी कैसे दे सकता है आईफोन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो गाइस वहां पे छोटी छोटी सी बतख है वो पानी के अंदर घुस जाती है, जैसे मैं ना पानी के अंदर घुस जाती है, हमने ये देखो वो चली गई, तो वो कुछ मैंने अलग ही देखा, पानी देखो ब्लू ब्लू हो रखा है। जितना का इस आईफोन ने ऐड के अंदर रिकमेंड किया ना कि ऐसे ऐसे शॉट ले सकता है आईफोन, मेरे 5 में से 5 है, 10 में से 10 है गाइस, क्योंकि यार बहुत ही अल्टीमेट कैमरे है इसके। आप लेने जाओगे ना सॉर अच्छी तरीके से, मतलब प्रोफेशनल तरीके से आप इसका यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेंगे क्या ही चीज़ है ये आईफोन, मतलब यार अल्टीमेट कैमरा। मेरे को लिटरली प्यार हो चुका है इस कैमरे से, क्योंकि मेरे को यार मेरे DSLR में अपने कैमरा है ना उससे भी ऐसा सॉर नहीं ले पा रहा हूँ जिससे मैं अभी ले रहा हूँ इससे। तो चलते अभी फिलहाल तो, और भाई साहब मज़ा आ गया मेरे को इसके सारे सेटिंग मिल गए अभी, मैं जैसे अभी अभी मेरे को सारा चीज़ें पता चली है कि ऐसे ऐसे शॉट भी आ सकते हैं, तो बहुत ही मज़ा आया। अभी तो भाई आगे तो बहुत ही ज़्यादा मचाएंगे हम लोग इस कैमरे से इस फोन से, मैं तो यही मानता हूँ गाइस कि इसको कैमरा ही कहना इनफ रहेगा। देखो गाइस आपको ऐसे क्वालिटी पता नहीं चलेंगी, आपको मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो उसको हाई क्वालिटी में देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसी कैमरा की क्वालिटी है, क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो ना तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको हाई क्वालिटी करके फिर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तब पता चलेगा आपको कि क्या क्वालिटी डेटा है। तो ओके तो बस लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि बहुत ही मेहनत लगेगा इस वाली वीडियो के अंदर भी। तो गाइस यहाँ से देखो ऐसा हो रहा है, अरे भाई क्या ही हो रहा है गाइस, ये मैंने दूसरी बार ट्राई किया है और दूसरी बार भी ऐसा हुआ, मतलब कि जैसे मैंने वीडियो ऑफ किया मैंने स्कूटी स्टार्ट की नहीं हो रही थी, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो भाई चालू हो गई। तो गाइस कुछ तो गड़बड़ है गाइस स्कूटी के अंदर, जैसे मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ना अपनी बेइज्जती नहीं चाहती है स्कूटी वीडियो के अंदर। आज हम गाइस आईफोन से मोटो ब्लॉग करते हुए सोचा नहीं थी कि आईफोन से भी मोटो ब्लॉग करेंगे। गाइस आगे बहुत ही खतरनाक वाला रोड आने वाला है, अभी देखो गाइस कितना ज़्यादा पतला है, तो एक भी भूल हमको गिरा सकती है या एक अच्छे गाइस चलते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल तो आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पे उनका मस्त मैंने खाना वाना भी खा लिया है, और फिलहाल यहाँ पे एडिटिंग करते हैं भाई। तो गाइस लास्ट पार्ट बाकी है, तो गाइस फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, और अभी टाइम हो रहा है तो गाइस सुबह से मैं एडिट कर रहा हूँ, 6:41 हो रही है, और फिलहाल इस वीडियो पे एंड करते हैं, मेरी लास्ट वाला पार्ट बाकी था। हाँ आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी आईफोन के बारे में कि कैसी क्वालिटी है इसका। गाइस वाइड एंगल बहुत ही बढ़िया सा है, इससे ही मैं शूट करूँगा और 4K में शूट करूँगा, तो आपको जो भी वीडियो देखेंगे ना आगे से वो 4K से आएंगे,
तो बहुत ही मजा आने वाला है। और 4K में गाइस व्यक्ति जाए 4K में वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। अपना PC भी इतना ज़्यादा हैवी हो रखा है गाइस। यही था iPhone 30 Pro Max के कैमरे की क्वालिटी, जो कि बहुत ही बढ़िया सी मेरे को लगी। अल्टीमेट कैमरे है गाइस इसके, वाइड एंगल सारे बहुत ही बढ़िया सा लगे मेरे को तो, और बहुत ही मजा आ गया। अब एक सिनेमेटिक मोड है ना, उसके मतलब ये इसके अंदर एडिट नहीं हो पा रहा है, वो मेरे को देखना पड़ेगा कि कैसे एडिट करते हैं। वो वाला वीडियो मैंने डाला ही नहीं, मैंने शूट कर रखा है पर डाला नहीं है। बस गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा दूंगा कि ऐसा ही मोड है वो। बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।